तो अभी हम अजीत सर के साथ बैठे हुए हैं। ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला है तो इसके बारे में कुछ बताइए जी। ये सब शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सबसे पहले क्या है कि शासन ने एक योग्यता डिसाइड करी है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, और ये माना गया है कि जो व्यक्ति एग्ज़ाम में बैठता है आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर वो व्यक्ति बीएड या बीटीसी की डिग्री हासिल किए है और वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है, फिर इसके बाद एक शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। उसमें पास होने के बाद 60% वेटेज एक भारांक होता है, 60% वेटेज आपका बनेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा से लिया जाएगा, और 40% वेटेज आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और आपके बीएड या बीटीसी अर्हता का लिया जाएगा। दोनों को क्लब करके आपकी एक रैंकिंग तैयार करी जाएगी और फिर शासन के द्वारा निर्धारित कैटेगरीज वाइज यदि आप रैंकिंग में फाइट करते हैं तो आपको नियुक्ति दी जाती है। टेट के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, वर्ष 2011 से ये निर्धारित किया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का संचालन होगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो प्रथम बार टीईटी का संचालन सुश्री मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में संपादित हुआ। वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि जो कैंडिडेट्स शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे कैटेगरीज वाइज उनकी मेरिट बना करके शिक्षक भर्ती का आधार उसे ही बनाया गया था, लेकिन कालांतर में उसको परिवर्तित करके एक और एग्ज़ाम को इसके ऊपर रख दिया गया। टीईटी को केवल और केवल एक क्वालिफाइंग नेचर रखा गया। इसके बाद एक शिक्षक भर्ती परीक्षा निकलती है जिसको सामान्यतया हम सभी लोगों ने या मीडिया ने या हम कह सकते हैं कि विभिन्न इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक नया नाम दिया गया सुपर टेट। और सुपर टेट के पीछे हम लॉजिक कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा कोई कैंडिडेट फेस करता है टीईटी एग्ज़ाम तो उसमें 5 विषयों के साथ होती है, लेकिन सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है वो लगभग 14 विषयों के साथ संचालित होती है, इसलिए हम टेट के ऊपर सुपर टेट को स्थान देते हैं। तो हर एग्जाम में सर टेट में कितने बैठते हैं, सुपर टेट में कितने बैठे हैं वैकेंट? देखिए, मैं इस बार की जो बात करूं लगभग 21 लाख अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। अच्छा। अब इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो नहीं दे पाएंगे, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि 19 लाख समथिंग कैंडिडेट अपीयर होंगे। अच्छा, जो बिल्कुल जो आने वाली 28 नवंबर को तारीख प्रस्तावित है, टीईटी एग्जाम प्रस्तावित है। इसमें कितने क्वालिफाई होते हैं लगभग सर? हाँ, इसमें हर बार ऐसा देखा गया है कि लगभग 4.5 से 5 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं। जब इसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है तो कई बार इसमें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्क्स जो है डिसाइड किए जाते हैं। जैसे पिछली बार की मैं बात करूं तो 60% मार्क्स और 65% अंक निर्धारित किए गए थे, लेकिन इस बार शासन क्या करता है क्या आता है ये सब भविष्य के गर्भ में है। शिक्षक सुपर टेट में जो बच्चा क्वालिफाई करता है वो एक तरह से ये मान सकता है कि हम शिक्षक बन गए। ये मानना पूरी तरीके से सही तभी साबित होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 150 टोटल मार्क्स होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में कोई कैंडिडेट 120 अप्रॉक्सीमेटली नंबर अचीव करता है तो हम मान सकते हैं कि 150 में 120 जनरल कैटेगरी। अच्छा भाई, वो बीसी है तो 110 मान सकता है, 110 के आसपास उसका सिलेक्शन लगभग वो अपने तो को सुनिश्चित मान लेगा। एसटी वाले 90 तक भी मान, बिल्कुल मान सकते हैं। अभी 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है सर। अच्छा, फॉर्म कितने का आता होगा? देखिए, इसमें फॉर्म के लिए एक फीस डिसाइड की गई है। एक अगर एक ही कैंडिडेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए अप्लाई करता है तो 1200 रुपये फीस का निर्धारण है। पेपर सेकंड और फर्स्ट का मतलब? हाँ, पेपर फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये होता है कि अगर कक्षा 1 से लेकर 5 तक कोई शिक्षक बनने के लिए सोचता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो वो फर्स्ट पेपर देगा। और अगर कक्षा 6 से लेकर 8 तक का वो शिक्षक बनना चाह रहा है तो वो पेपर सेकंड क्वालिफाई करेगा। मतलब ये टेट में ही है? टेट में ही है। टेट में ही दो पेपर होते हैं, 3 घंटे के अंतराल में टेट के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का मतलब है पीआरटी, प्राइमरी टीचर, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए जो अध्यापन कार्य करेंगे, और क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए जो अध्यापन कार्य करेंगे उनके लिए पेपर सेकंड है। अच्छा, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जो दूसरा पेपर देना चाहते हैं वो तो बीएड होना जरूरी है उनका, और जो क्या डीएलएड वाले या बीटीसी वाले भी पेपर फर्स्ट जी। अभी तक नियमानुसार क्या था कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बनने वाले शिक्षक उनका डीएलएड होना जरूरी था जो पूर्व में बीटीसी के नाम पे जानी जाती थी, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक का अध्यापक बनने के लिए आपको बीएड होना जरूरी था। लेकिन ऐसा माना गया
कि जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है डीएलएड का और बीएड का, उसके बहुत सारे जो मानक हैं वो लगभग इक्विवेलेंट है। हाँ, तो शासन ने एक रिलैक्सेशन देते हुए ये कहा गया है कि अगर बीएड वाला कैंडिडेट है तो वो भी एक से लेकर पाँच तक का अध्यापक बन सकता है, वो उसके लिए केवल ब्रिज कोर्स से करना होगा। और अभी इस बार के एग्जाम में तो उनको भी मान्यता दी गई जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, उनको भी पेपर सेकेंड में अपीयर होने का शु अवसर प्रदान किया गया, तो सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि यूपी टेट और सी टेट क्या होता है, ये इसके बारे में देखिए। पहले यूपी से और सी टेट से हम सी हटा देते हैं, यूपी टेट से हम यूपी हटा देते हैं। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, तो हो जाता है टेट। तो टेट का जो फुल फॉर्म बनता है वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये माना जाता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले एक अभियोग्यता परीक्षा संचालित होगी, जो इस बात का प्रमाण है कि आप शिक्षक बनने की राह का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं और आप शिक्षक बनने के काबिल हैं। तो ये टीटी है। अब जितने भी भारत के स्टेट हैं, हर स्टेट अपने यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाता है। तो जो भी स्टेट अपने यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा संचालित करवाता है, उस स्टेट का नाम हम उसके आगे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूपी, तो यूपी टेट हो गया, एमपी हो गया तो एमपी टेट हो गया, और उत्तराखंड हो गया तो यू टेट हो जाएगा। इस तरीके से ये शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। जब भी किसी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के कोई नियुक्ति संचालित की जाएगी, उनमें वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का टेट क्वालिफाई कैंडिडेट, अर्थात अगर हम यूपी के संदर्भ में बात करें तो यूपी में अगर कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा निकलती है तो उसमें यूपी टेट क्वालिफाई कैंडिडेट को सुपर टेट एग्ज़ाम में आप अपीयर करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सी टेट का मतलब होता है सेंटर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ऑल इंडिया का, बिल्कुल केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। इसमें दो तरीके के एक एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं KVS और NVS, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये दो संगठन ऐसे हैं जिनके लिए सीटेट ही क्वालिफाई होना मस्ट होता है। हाँ, ये बिल्कुल किसी राज्य स्तरीय TET परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आप बिल्कुल KV में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, आप NVS को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो KVS और NVS में तो आप योग्यता हासिल कर ही चुके हैं। इसके अलावा कोई भी राज्य है वो सीटेट को ले लेता है। अगर आप अपने पर्टिकुलर राज्य में राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और संयोग से आपके पास सीटेट क्वालिफाई है, आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपको एलिजिबल माना जाएगा। अच्छा, उसमें भी चयन, बिल्कुल। हाँ, तो मैं सब बातों को मिलाकर के अगर एक निचोड़ दूँ, एक सारांश बोलूँ, अगर आप सीटेट कैंडिडेट कोई भी क्वालिफाई कर लेता है तो वह NVS KVS के लिए भी पात्र है और अपने अपने स्टेट में राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी एलिजिबल है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कैंडिडेट सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो फिर अगर वो अपने स्टेट में नहीं भी कोई एग्ज़ाम देता है, TET का एग्ज़ाम नहीं देता है, तो वो एलिजिबल है। स्टेट में जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी सुपर टेट को लेकर के, तब ये उसके दो ही पैमाने होते हैं कि ग्रेजुएशन 50% के साथ, स्नातक 50% के साथ व्यक्ति का BEd या DLED हो। इसके अलावा वो या तो सीटेट क्वालिफाइड हो या फिर पर्टिकुलर स्टेट का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो। तो जाहिर है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, सीटेट पे ज़्यादा फोकस करें। और स्मार्ट एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को परीक्षा, जो भी परीक्षाएँ आने वाली हैं, उसकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग तैयारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, आपका भी ढेर सारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सूचना जनहित में जाती है और लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और ज्ञान का संवर्धन होना चाहिए। कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब मिलेगा। तो अगर आपके आसपास अगर कोई टेट का एग्ज़ाम दे रहा हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहा हो तो उसे भी ये वीडियो शेयर करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।